इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के दावे हवा में उड़ने लगे हैं। 3 घंटे बाद भी इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर एक भी नतीजा शाया करने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन ने यह दावा किया था कि इस सिस्टम के तहत वेबसाइट्स पर नतीजे नशर होंगे, लेकिन अब तक एक भी नतीजा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं देखा जा सकता। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के दावे जो हैं वो हवा में उड़ गए हैं। बताया गया था कि हर घंटे बाद, हर मिनट बाद जो है यहां पर नतीजे जो है वो अपडेट होंगे, लेकिन अब हाल ये है कि 3 घंटे गुजर चुके और इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर एक भी नतीजा शाया करने में नाकाम रहा है। दावे किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सबसे पहले नतीजे पहुंचाए जाएंगे अवाम तक, लेकिन 3 घंटे गुजर चुके, गिनती का अमल जारी है, मुख्तलिफ जगहों से गैर सरकारी नतीजे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अब तक एक भी नतीजा नहीं आया। 3 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जो दावे थे वो दावे ही नजर आए हैं। 3 घंटे बाद भी इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट में इस सिस्टम के जरिए कोई भी नतीजा आवाम तक पहुंचाने में नाकाम रहा है, जबकि 24 न्यूज अपने नाजरीन के लिए गैर सरकारी और गैर अलमी नतायज का सिलसिला जो है वो 7 बजे से शुरू किया हुआ है और वो सिलसिला जो है वो अब तक जारी है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि इस सिस्टम के तहत वेबसाइट के ऊपर आवाम जो है वो नतायज तक रसाई हासिल कर पाएंगे, हाल ये है कि 3 घंटे गुजर चुके, लेकिन एक भी नतीजा जो है वो इस पर अपडेट नहीं हुआ है, नतीजा यहां पर शाया नहीं किया गया है। 6 बजे पोलिंग खत्म हुई, 7 बजे से नतीज देने का जो था वो कहा गया था और 3 घंटे हो गए, लेकिन कोई भी नतीजा इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। इंतखाबी नतीज इस सिस्टम के तहत जो दावा किया गया था वो महज दावा साबित हुआ है। 24 न्यूज 7 बजे के बाद सही अपने देखने वालों को गैर सरकारी और गैर अलमी नतीज मुल्क के मुख्तलिफ हलकों के पोलिंग स्टेशन से अब तक पहुंचा रहा है और कई नतीजे अपने आवाम के सामने रख चुका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि आरएस सिस्टम के तहत आवाम तक नतीजे पहुंचाए जाएंगे और ये नतीजे जो हैं उसे आवाम उससे रसाई हासिल कर सकेंगे, कोई भी एक नतीजा इस वेबसाइट पर नहीं आ सका और ये दावे हवा में हो गए। ब्यूरो चीफ ऑनसाही हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। ऑनसाही, 3 घंटे गुजर गए, 24 न्यूज बेतहाशा नतीजे पहुंचा चुका, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एक भी नतीजा नहीं आया। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जो है इस वक्त यहाँ भी यही डिस्कशन हो रही है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि पहले हमें यही बताया गया था कि जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो फौरी तौर से चीजों को अपडेट करता जाएगा, लेकिन 3 घंटों से भी ज्यादा, बल्कि अब तो 3.5 घंटे हो गए इसको गुजरे, 6 बजे जो हमारा पोलिंग का टाइम खत्म हुआ था उसके बाद तक अब तक एक भी रिजल्ट इलेक्शन कमीशन जो है अपनी वेबसाइट पर जो है वो शाया नहीं कर सका। और एक भी रिजल्ट उन्होंने ये भी कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पहला रिजल्ट जो है वो खुद अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो सका। तो काफी सीरियस जो है वो सवालात उठना शुरू हो गए इलेक्शन कमीशन की जो परफॉर्मेंस है उस पर। जी ठीक है, और 3 घंटे जो गुजर चुके, एक नतीजा भी नहीं आ सका। जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के, वो इस हवाले से कुछ कहते हैं, वो तो खुद 7 बजे रिजल्ट अनाउंस करने वाले थे। जी बिल्कुल, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो रिजल्ट पहला हम अनाउंस करेंगे जब कोई कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरे मुल्क से, तो उसको हम करेंगे, लेकिन अभी तक जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि अभी तक एक भी कंप्लीट जो है इनके पास रिजल्ट नहीं पहुंचा। लेकिन जो उन्होंने ऐलान किया हुआ था रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, ये आवाम को मुसलसल फौरी तौर पर जो है वो बताएंगे किस हल्के में कौन सी पार्टी आगे जा रही है, उसमें ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल, यानी कि कोई रिजल्ट, कोई नतीजा नहीं दिया गया, लेकिन 24 न्यूज जो है अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे सबसे पहले आवाम तक पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया अंसारी आपका।